ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस बस आप सभी को करना क्या, बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना एंड कंप्लीट वॉच करना है। बाकी गाइस जो भी होगा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बता दूंगा एंड आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस एडिटिंग से रिलेटिव अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आगे इजीली मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो कैसे एक बार इंस्टाग्राम को भी चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो अपनी फोटो को पहले लाइटरूम ऐप में ओपन करना है, क्योंकि पहले हम उसको रिटच करेंगे, देन क्या करेंगे हम उसके बाद, पहले तो हम इसे रिटच कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले जाना आपको लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसको जो कॉन्ट्रास्ट उसको माइनस करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे आपको प्लस करना है। शेडो को जो है गाइस आपको यहाँ पे इसको बढ़ा देना है, एंड जो यहाँ पे व्हाइट है गाइस इसको भी यहाँ पे आपको इसको व्हाइट को कम कर देना है, एंड ब्लैक को जो है इसको भी कम कर देना है। फिर आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड जो फोटो में टेम्परेचर है गाइस इसको कम करना है। फिर आपको जाना गाइस यहाँ से कलर मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड इसका सैचुरेशन जो है आपको यहाँ पे माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको करना है, आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है, यानी कि मतलब यहाँ पे जितने भी कलर है इसके बाद आपको सबको सैचुरेशन माइनस करना है, बस पिंक कलर को छोड़ के, ठीक है। पिंक कलर का सैचुरेशन आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है। फिर उसके बाद आपको कलर के साइड में जो आपको येलो ऑप्शन आपको इसमें जाना है, इसके बाद जाना आपको शेडो में, शेडो में जाने के बाद जो है आपको उसको सैचुरेशन पहले इंक्रीज करना है। फिर अगर जो ह्यू है इसको आपको ले जाना है यहाँ पे येलो टोन में, ठीक है। फिर उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको जाना मिड टोन में, सेम इसमें भी वही करना है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना फिर हाईलाइट में, इसमें भी आपको सेम वही करना है जो आपको अभी आपने किया था, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको करना, आपको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फाइव गाइस जो फोटो क्लियरिटी वो इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डालना है, इस फोटो में गाइस विग्नेट डालना कंपलसरी है, तो यार विग्नेट जरूर डालना। फिर उसके बाद आपको करना, आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम विग्नेट और डाल देते हैं, एंड फैदर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंड उसके बाद राउंडनेस को भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस जो इसको इंक्रीज करना है, फोटो में जो नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिला आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा रिटच का काम था वो तो हो चुका है, अब इसमें बारी है हमारी पीएनजी लगाने की, ठीक है। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो यहाँ पे सेव करना है, एंड इसको लेकर चलना है पिक्सार टाइप में। तो गाइस यहाँ पे मैंने पिक्सार टाइप में जो अपनी फोटो ऐड कर लिया है, अब आपको करना है, आपको गाइस सिंपली जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस जो भी बैकग्राउंड पीएनजी का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इसको ऐड करने के बाद जो है गाइस आपको करना, आपको जाना से ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको कर देना स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड इसको फोटो को जूम करने करके ऊपर की तरफ लगा देना है। फिर उसके बाद गाइस क्या करना, आपको इसको पीएनजी करना, थोड़ा सा इसका जो है एडजस्टमेंट छेड़नी है आपको, जैसे गाइस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना जैसे कि ऊपर की तरफ, एंड जैसे कि जो सैचुरेशन आपको उसको भी यहाँ पे बढ़ा देना है, एंड जैसे कि ये हाईलाइट है इसको भी बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, जो शेडो है इसको भी यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना है टेम्परेचर में, आपको जो टेम्परेचर है एकदम 100 प्लस कर देना है, ठीक है। फिर उसका डन करना है, एंड आपको उसका एक डुप्लीकेट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, एंड आप डुप्लीकेट बना के आपको जिस टाइप से इस साइड में रखना है इसको, ठीक है। आप इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, एंड डुप्लीकेट बना के हम एक उस वाली साइड में जो है गाइस उसमें रखेंगे हम इसको, एंड गाइस अभी इसका एक डुप्लीकेट और बनाएंगे हम, ठीक है। एंड इसको डुप्लीकेट बना के हम इसको सिंपली अपनी जो सिगरेट है हम इसको एक बार इसको टच कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे गाइस आपको वीडियो में दिख रहा है, एंड कुछ इस तरीके से टच करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको हमें सिंपली अब जो है वहाँ पर डन कर सकते हो, अब आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपको करना है, आपको जाना है गाइस अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को स्मोक का पीएनजी एक इसको, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसका ब्लेंडिंग मोड पहले यहाँ पर स्क्रीन करना है, एंड उसके बाद जाना आपको ओपेसिटी में, आपको उसकी ओपेसिटी कम करनी है अराउंड 40 पे, एंड उसके बाद जो आपको सिंपली अपने जो सिगरेट है आपकी जो फायर निकल रही नोट में से आपको उसके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देना है, एंड आप गाइस इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम आप इस फोटो को कर देंगे डन, एंड इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको जाना गेन ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक पार्टिकल का पीएनजी, एंड इस पार्टिकल के पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको पहले इसको स्क्रीन करना है, एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड सबसे एंड वाला पार्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है यहाँ पे, एंड उसके बाद रिजल्ट टूल में जाना है, आपको जो फेस के ऊपर वो पार्टिकल आ रहे होंगे आपको सिंपली इसको रेज करना है, एंड जो मतलब कि आपको नोट्स के पास ही है आपको वहाँ पे पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद जो आपको वहाँ पे सिंपली डन कर देना है, एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।